मैं सविता पुलवाल हैदराबाद से। नमस्कार, आपका अपने चैनल बॉक टू मेक थिंग में आपका स्वागत है। किश्तों में जिंदगी, जी हाँ, किश्तों में ही तो जिंदगी जीते हैं हम सब मिल करके। जीवन की हर क्षण शौशों की कश्ती में सवार ये जिंदगी किश्तों में ही तो बटी होती है। माता पिता के यहाँ जन्म लिया, उनकी लाडली बनकर पली बड़ी, पांच भाई बहनों में सबसे छोटी शरारती, नर्सरी से लेकर स्नातक तक का सफ़र तय किया। ना कोई अनुशासन था, ना कोई किसी बात की चिंता फिक्र। हाँ, गलतियाँ होने पर थोड़ी डांट टपट जरूर पड़ जाया करती थी माँ से और बड़े भाइयों से। खट्टे मिट्टे झगड़े भी हो जाया करते थे आपस में, मित्रों से भी हो जाया करते थे, लेकिन कुछ क्षण के लिए। वो मिलजुल कर स्कूल जाना, लोकल ट्रेन से कॉलेज आना जाना, इस तरह 25 पैसे से पानी पूरी खाना और 5 पैसे से शुरू हुई जिंदगी की ये किश्त 50 रुपये में जाकर ख़त्म हुई। बहुत कुछ सीखा भी और ना जाने कितने सुबह यादें देकर, ना जाने ये किश्त जिंदगी की कब गुजर गई पता ही नहीं चला। फिर शुरू हुई जिंदगी की दूसरी किश्त। दूसरी किस्त तो बड़ी ही रोमांचकारी रही। विवाह हो गया, एक बहू बनकर आई एकदम नए माहौल में, पत्नी बनी, एक भाभी बनी। शुरुआत में तो सिर ढककर, सिर झुकाकर चलना, फुसफुसाकर आपस में धीरे धीरे से बातें करना और उस माहौल में ढलना। थोड़ा दिक्कतें जरूर आई लेकिन ढल गई। ननद का रूप न मनाना भी चलता था। इसके अलावा जेठानियों की हल्की फुल्की तानाशाही का एक अपना ही मजा था। इसके अलावा जब तीज त्यौहार आया करते थे तो प्यार और दुलार से सासू माँ का कोई खास पकवान का बनाया जाना और मुझे सिखाया जाना, उस भावनात्मक अनुभव का तो मन आज भी याद करके विभोर हो उठता है। फिर ससुर जी थे, जो एक विचारशील आधुनिक मानसिकता थी उनकी, और उनकी इस प्रेरणा से मुझे जीवन में आगे बढ़ने का हौसला निरंतर बढ़ता चला गया। पति देव ने भी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हमेशा साथ निभाया और आज भी निभा ही रहे हैं। दादी सास की वो ममता भी मुझे मिली जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है, उसके तो कोई सानी ही नहीं है। जितना वर्णन करूं उतना ही कम है। कुछ ऐसी रही जिंदगी की दूसरी किश्त। जिंदगी की तीसरी किश्त। जब मैं पहली बार माँ बनी तो बच्चों की परवरिश करते हुए कुछ अपने तरीकों से, कुछ अपने परिवार के बड़ी बुजुर्ग महिलाओं जैसे अपनी जिठानियाँ, सासू माँ, चाची सास से उनके अनुभव लिए। इस तरह बच्चों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें आगे बढ़ने दिया। संयुक्त परिवार में रहते छोटी बड़ी बातें, मन मुटाव को नज़रअंदाज करते हुए सबको अपनी तरफ से खुश रखने का पूरा प्रयास किया। इस तरह सब विषम परिस्थितियों के बीच गुजरी जिंदगी की ये किश्त। बच्चों को भरसक अपने तरफ से हर चीज़ सिखाने की कोशिश करी। अब हम कदम रखते हैं जिंदगी की अगली किश्त की ओर। बच्चे बड़े हो गए, अपने पैरों पे खड़े हो गए, बेटी का विवाह हो गया, वो अपनी गृहस्थी में खुश है, बेटा अभी अविवाहित है। सास बनने का अनुभव मुझे जेठुता बहू आने के बाद हुआ, जो कि मेरे इस उम्र के शौक को पूरा करने में मुझे अपने नए नए तरीके बताती है, सिखाती है। जैसे कि इस उम्र में मैं वापस पुराने समय में पहुंच गई, मेरे अंदर एक नया जोश भर गया हो ऐसा प्रतीत होता है और खुशी भी होती है। मेरे ही नहीं, मेरी सासू माँ जो कि अब एक दादी सास बन गई है, उनकी एक खुशनुमा जिंदगी और उनमें समय के साथ आए हुए बदलाव को तो देखने से ही लगता है शायद ये ही जिंदगी की सबसे खुशनुमा अंतिम किस्त है, जो कि वो अपने पोता पोती पौत्र बहू के साथ हर पल को जी रही है। जिंदगी भी कितने किस्तों में बितानी पड़ती है ना। पहले माता पिता के यहाँ बेटी बनकर जीवन व्यतीत किया, फिर ससुराल आकर एक बहू बनी, पत्नी बनी, माँ बनी और इस तरह अभी उम्र के इस 55 साल के पड़ाव पर पहुँची। किस्त किस्त की ये जिंदगी इस तरह कुछ गुजरी है ना। ये निर्भर करता है ना इस बात पर कि हमने जिंदगी की हर इस किस्त को कैसे चुकाया और कैसे ब्याज सहित या बिना ब्याज के, ये तो अपने आप पर निर्भर करता है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से हर किस्त को निभाने और चुकाने की कोशिश की।